तो अस्सलाम वालेकुम, आज हम बना रहे हैं कीमे के कोफ्ते। ये हमने कीमा लिया है घर की मिक्सी का करावा, चने लिए हैं इनों का पाउडर बनाना है, ये खसखस लिए, और ये हमने प्याज चॉप करी हुई लिए, हरा धनिया और हरी मिर्च लिए चॉप करी हुई। ये हमने पाउडर बना लिया है चनों का, ये डाल देते हैं अब इसके अंदर। अब इसमें ये सब डाल देना है, ये हल्दी है, ये मिर्च है, ये नमक है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, लगा लेना है और इस तरह से इसी तरह से बनाने हैं सारे कोफ्ते हमें बनाने हैं। ये हमने देखो सारे बना लिए हैं कोफ्ते इस तरह से। तेल कर लिया है हमने पहले से ही गरम। अब एक एक कोफ्ते इस तरह से फ्राई करना है हमें तेल के अंदर। देखो इस तरह से फ्राई करना है, इसी तरह से सारे कोफ्ते हमें फ्राई करने हैं। ऐसे बहुत अच्छे बनते हैं, फूटते भी नहीं है बिल्कुल भी। देखो हमने ये फ्राई करके कोफ्ते निकाल लिए हैं, हल्के हल्के फ्राई करें ये हमने। तेल हमने पहले से ही गरम कर लिया, अब इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालते हैं हम। ये हमने लहसुन प्याज का पेस्ट पीस लिया है पहले से ही, अब इसे डालते हैं हम। ये मसाले डालने हैं इसमें, ये धनिया है, ये हल्दी है, मिर्च है, नमक है। अब अच्छे से इसे भून लेना है, थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं। हमारा भुन गया है कोफ्तों का। ये हमने 3 मीडियम साइज के आलू काटे हैं कोफ्तों में डालने के लिए। अब डालते हैं इसके अंदर कोफ्ते। सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं इसके अंदर, अभी डालते हैं हम आलू। अब इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार हमें पानी रखना है। कुकर का ढक्कन गैस का फ्लेम मैंने तेज कर दिया है, सिर्फ इसमें हमें एक सीटी लगानी है, दूसरी पे बंद कर देनी है। फाइनली हमारी सब्जी बन गई है, देखो ये गरम मसाला पाउडर है, ये चॉप करा हुआ हरा धनिया है। फाइनली हमारी सब्जी बन गई है, अब करते हैं इसे सर्व। देखो ये कितनी अच्छी बनी है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। आप भी इसी तरह से बनाना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।